कर्नाटक में अब से 3 दिन बाद वोट डाले जाने हैं और चुनाव से पहले ही कांग्रेस से निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से ऐसा बयान दिया है जो पूरे देश को चुभ सकता है। मणिशंकर अय्यर ने भारत के बंटवारे के सबसे बड़े खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना को क्लीन चिट देते हुए दामोदर विनायक सावरकर को जिम्मेदार ठहराया। मणिशंकर अय्यर ने लाहौर में कहा कि टू नेशन थ्योरी के लिए जिन्ना नहीं बल्कि सावरकर की हिंदुत्व वाली सोच जिम्मेदार थी। यानी पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने वही भाषा बोली जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है। मणिशंकर ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला किया है और कहा है कि भारत की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। मणिशंकर के इस बयान पर कांग्रेस अब तक खामोश है, जिससे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिन्ना के समर्थन वाला मणिशंकर का बयान कांग्रेस को कबूल है। A man called D.D. Savarkar, he described Hindutva as amounting to Hindu Raj. जिसने कराया बंटवारा वो कांग्रेस को प्यारा। We also knew that there was a leader of Muslim League called Shri Jinnah. बंटवारे के लिए जिन्ना को क्लीन चिट। We also knew there was a Muslim League. देश के जिस सबसे बड़े खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का बंटवारा कराया, लाखों लोगों को दंगों की आग में जलाया, उसी जिन्ना को कांग्रेस के निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत के बंटवारे के लिए क्लीन चिट दी और टू नेशन थ्योरी के लिए जिम्मेदार ठहराया बीजेपी के आदर्श पुरुष दामोदर विनायक सावरकर को। डीडी सावरकर रोट अ बुक इन विच ही इन्वेंटेड अ वर्ड दैट डजंट एग्जिस्ट इन एनी रिलीजियस टेक्स्ट इन इंडिया, हिंदुत्व। वी नो अबाउट हिंदुइज्म बट हिंदुत्व वाज अ कंप्लीटली न्यू इन्वेंशन एंड ही डिस्क्राइब हिंदुत्व एज अमाउंटिंग टू हिंदू राज। So the first proponent of the two-nation theory was the ideological guru of those who are currently in power in India. इतिहास गवाह है कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना ही जिम्मेदार था और जिन्ना की जिद पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने लाहौर में इतिहास के सबसे बड़े विलेन जिन्ना को न सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि महात्मा गांधी से जिन्ना की तुलना भी कर डाली। I referred to Muhammad Ali Jinnah as the Qaid-e-Azam in a lecture I delivered day before yesterday. And hysterical TV anchors in India been demanding to know how an Indian who claims to be patriotic can possibly go on Pakistani soil and discovered and described Muhammad Ali Jinnah as the Qaid-e-Azam. I know that a lot of Pakistanis call Mohandas Karamchand Gandhi Mahatma Gandhi. Does that make them unpatriotic Pakistanis? इसके अलावा मणिशंकर ने पाकिस्तान में भारत की बुराई करते हुए कहा कि यहाँ इस वक्त अराजकता का माहौल है और आने वाले चुनाव में जनता मोदी को नकार देगी। The attempt has been made to promote the concept of India as a Hindu state. And while approximately 70% of the Indian electorate did not vote for Mr. Modi in the last election, but lost because they were completely factionated among themselves, it is my fervent hope that a great number of this 70% who did not vote for the BJP in the last election will come together adequately to be able to put an end to the aberration that we have been suffering in our country. ऐसा नहीं कि जिन्ना सिर्फ मणिशंकर अय्यर के लिए नायक है बल्कि कांग्रेस पर भी जिन्ना प्रेम सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसीलिए कांग्रेस के नेता भले ही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे श्री लगाना भूल जाते हैं, लेकिन जिन्ना के नाम के आगे श्री जरूर लगाते हैं। When we were in school, we knew who was Mahatma Gandhi, who was Jawaharlal Nehru, who was Subhash Chandra Bose, who was Sardar Patel,
who was Dr. Rajendra Prasad, which was the Indian National Congress. We also knew there was a Muslim League. We also knew that there was a leader of Muslim League called Shri Jinnah. जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ने वाले कांग्रेस नेताओं का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक चुनाव में बस 3 दिन ही बाकी हैं। हालांकि गुजरात चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ बयान पर कांग्रेस मणिशंकर अय्यर को निलंबित कर चुकी है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में देश के खिलाफ और जिन्ना के समर्थन में मणिशंकर का बयान कांग्रेस पर बेहद भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मणिशंकर अय्यर ने बंटवारे के गुनहगार जिन्ना को क्लीन चिट देकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचा है, लेकिन इससे कांग्रेस का कर्नाटक में बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मणिशंकर का ये बयान क्या देश में उन लोगों को खुश करने के लिए है जो बंटवारे के खलनायक को हीरो मानते हैं और भारत के सबसे बड़े विलन के लिए उन लोगों ने जिहाद छेड़ा हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पर आरएसएस और भगवा से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को अलीगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिखकर ये पूछा था कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहां कहां मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है और क्यों लगी है। इसके बाद से लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के निष्कासित नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान में ये कहा है कि टू नेशन थियोरी वीर सावरकर ने दी थी, यानी एक तरह से वो बंटवारे के असल जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को क्लीन चिट दे रहे हैं। In 1923, a man called V.D. Savarkar wrote a book in which he invented a word that doesn't exist in any religious text in India, Hindutva. We know about Hinduism, but Hindutva was a completely new invention, and he described Hindutva as amounting to Hindu Raj. So the first proponent of the two-nation theory was the ideological guru of those who are currently in power in India. आज पूरे देश में मोहम्मद अली जिन्ना पर बहस हो रही है। टू नेशन थ्योरी किसने दी, इस पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हमने डीएनए में 3 मई को ही इस पूरे मामले को पूरे देश को टू नेशन थ्योरी का सच बताया था। हमने आपको प्रमाणिक किताबों के आधार पर यह बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना से भी पहले सर सैयद अहमद खान ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। भारत का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वर्ष 1938 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी हुई है। जिन्ना की तस्वीर का विरोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी के आधार पर देश का बंटवारा किया और देश के टुकड़े करने वाले व्यक्ति की तस्वीर भारत में नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खां भी टू नेशन थ्योरी के बहुत बड़े समर्थक थे। आज हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। ये वो किताब है जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। इस किताब के लेखक हैं काजी मोहम्मद अदील अब्बासी। ये एक प्रमाणिक किताब है, प्रमाणिक पुस्तक आप इसे मान सकते हैं, और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इस किताब पर नेशनल बुक ट्रस्ट की मोहर लगी हुई है। यहाँ पर ये देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट की मोहर है इस पर। इसका मतलब ये है कि इस किताब में लिखी गई बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस किताब के पेज नंबर 26 पर क्या लिखा है ये सबसे पहले आपको सुनना चाहिए, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं क्या लिखा है पेज नंबर 26 पर। टाइटल है सर सैयद और भारत की राजनीति। सर सैयद भारत की राजनीति पर उस समय उभर कर आए जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद मुसलमान बुरी तरह कुचला गया था। कत्ल, फांसी और जायदादों की जब्ती का एक लंबा सिलसिला था जो काफी समय तक जारी रहा था, और
स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होने के बाद ही अंग्रेज शासन ने छोटी नौकरियों से मुसलमानों को पूरी तरह निकाल दिया था। बड़ी नौकरियां तो हिंदुस्तानियों को मिलती ही नहीं थी। सर सैयद इन परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसका उन्होंने कुछ समय बाद ये हल सोचा। अब सोचिए उन्होंने क्या हल सोचा, ये आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। पहला हल, मुसलमानों की गरीबी को दूर किया जाए। दूसरा हल, देश की आजादी को जहां तक संभव हो टाला जाए और मुसलमानों की गरीबी को दूर करने और सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार की पूरी वफादारी का तमगा हासिल किया जाए। सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार की पूरी वफादारी का तमगा हासिल किया जाए, क्योंकि अगर देश आजाद हुआ और 3/4 हिंदू और 1/4 मुसलमान होंगे तो वो पीस दिए जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम होगी। ये कहते हैं, इनका जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 3/4 हिंदू हैं और 1/4 मुसलमान हैं, अगर देश आजाद हो गया तो मुसलमान पीस दिए जाएंगे क्योंकि उनकी संख्या कम है। फिर वो आगे कहते हैं भाषण में, ये उनका भाषण है, भाषण में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि मुसलमानों को कांग्रेस में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में प्रतिनिधि सरकार बनी तो उनका भविष्य अंधकार में होगा और उन्हें तबाही बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और मुसलमानों को स्थायी दासता के अतिरिक्त कोई लाभ ना होगा, यानी उन्हें दास बना लिया जाएगा। सर सैयद ने इसके 3 कारण बताए थे, अब वो 3 कारण भी आप सुन लीजिए। पहला कारण, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अंग्रेज अपनी फौजें वगैरह लेकर वापस चले जाएं तो कौन यहां शासन करेगा। जाहिर है कि राज सिंहासन पर हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं बैठ सकते, कोई एक दूसरे पर हावी हो जाएगा। यह आशा करना कि दोनों के समान अधिकार होंगे व्यर्थ है और असंभव को संभव बनाने की इच्छा के समान है। दूसरा कारण, प्रतिनिधि सरकार हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं है, इसलिए कि अगर वोट लिए गए तो मुसलमान मुसलमानों को और हिंदू हिंदुओं को वोट देंगे, ऐसी स्थिति में 3/4 और 1/4 का अनुपात होगा। तीसरा कारण, मुसलमानों को अंग्रेज सरकार पर पूरा भरोसा करना चाहिए, वही उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है और उन्हें कार्यपालिका में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वीर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का आविष्कार किया और उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी, लेकिन इन बयानों से लगता है कि शायद वो इतिहास के साथ राजनीति करना चाहते हैं। मणिशंकर अय्यर का ये बयान एक तरह से उन लोगों का समर्थन है जो जिन्ना की तस्वीर लगाने का समर्थन कर रहे हैं। आधा से ज्यादा हिंदुस्तान आज कह रहा है कि हमें इन लोगों की सोच से आजादी चाहिए, जो अपनी बिल्कुल ओछी और संकुचित सांप्रदायिक और घटिया सोच फैलाता हो उनके खिलाफ तो नारे लगाने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिर क्यों कुछ लोग बंटवारे के खलनायक को हीरो बनाने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।